नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की रसोई में। तो आज यहाँ पर देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज नारियल की चटनी और इडली। नारियल की चटनी जो है बहुत ही अलग तरीके से बना करके मैंने तैयार की है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो गारंटी है कि बहुत स्वादिष्ट लगेगी और घर में जो लोग नारियल की चटनी नहीं खाते वो ज़रूर खाएँगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इडली चढ़ा दी है पकने के लिए। तो यहाँ पर घोल मैंने बनाया हुआ था, अब बस इडली इधर चढ़ा देंगे। जब तक इडली पकेगी मैं यहाँ नारियल की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया है, ये पानी वाला नारियल है, तो जिसको मैंने तोड़ करके इसका सारा भी छिलका निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो भुंजा हुआ चना होता है वो मैंने लिया। अगर आपके पास दालिया हो तो आप दालिया यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 2 यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च का यूज़ किया है। 1 इंच अदरक है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा आप तीखा खाते हैं तो यहाँ हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं खाते हैं तो आप इसे ही स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 मैंने छोटी साइज की प्याज ली है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसमें ऐड करेंगे अब हम पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसका हम फाइन पेस्ट एकदम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एकदम फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो गया है नारियल का। तो अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। और जैसे ही सरसों का तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे उड़द की दाल 1 बड़े चम्मच। मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ऐड करी है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे राई, और राई जैसे ही चटक जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज मैंने 1 लिया है, ये हम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे, हल्का सा भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, 8 से 10 यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ऐड किए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम ऐड करेंगे हींग। सबसे ज़रूरी है, हींग से चटनी का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आता है। और बस इसे अब हम 1 से 2 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। प्याज को हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का रोस्ट करना है। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बना करके तैयार की है वो ऐड कर देंगे। तो जिस हिसाब से आपको पतला गाढ़ा चाहिए हो आप उस हिसाब से ऐड कर दीजिए पानी यहाँ पर। और नमक ऐड करेंगे और इधर 1 बॉइल आएगा और चटनी पक करके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, इडली भी हमारी पक गई है, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारे हम इसी तरीके से निकाल करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली की भी चटनी बनाई हुई है और जो अभी हमने नारियल की चटनी बनाई है वो रखेंगे। और मैं यहाँ आपको तोड़ करके दिखाती हूँ जो इडली है कितनी स्पंजी बन करके तैयार हुई है। देखिए, एकदम गर्मा गर्म इडली बन करके तैयार है। तो इन्जॉय करिए, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक